मुझे बहुत खुशी होगी कि इस मूवी को बनाने के लिए मैंने बहुत लोग के सामने आज मूवी को कंप्लीट करके आप लोग के सामने लाई हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग आए और देखें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ऐसा कुछ है जो सदियों से होता आया और आज भी है, जैसे कि लड़की और लड़के में हमेशा भेदभाव समझते थे, तो उसके ऊपर से दुनिया बहुत आगे है। मैं कुछ क्या दिखाऊंगी, पर छोटी सी हूँ, बहुत छोटी सी गांव से हूँ, तो मैंने बहुत कोशिश किया। नारी जात को लेके पहले भी प्रॉब्लम थे, आज भी है, तो उसी को लेके मैं सोच रही कि कुछ आगे उनको अच्छा सुविधा मिले और आगे उनके लिए हर चीज़ का सामना हो, अच्छा हो। इस दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग आइए और मेरी मूवी को देखिए और आप लोग पसंद करेंगे, मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं। मैं इतना जानती हूँ ये जो पिक्चर है नारी शक्ति, इसमें इस लड़की ने बहुत अच्छा दर्शाया है और इतनी अपनी खुद की कहानी जो उस पर बीता है उस हिसाब से इसने बनाया है, सबको पसंद आएगी। हकीकत किसको नहीं पसंद आती, रियलिटी आजकल ज़्यादा रियलिटी में ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं और ये रियलिटी पर ही फिल्म है। और मैं तो जानती हूँ इसने इतना अच्छा ये किया है नारी के विषय में कि नारी किसी भी घटना में कभी कमज़ोर नहीं हो पड़ना चाहिए, ये मेरा खुद का ये मंशा भी है और मैं दुआगो हूँ इस बच्ची के लिए और हर नारी के लिए। मेरी यही ये हमेशा आशा रहेगी कि वही कोई भी संकट में नारी को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तेरी शक्ति अनोखी, यह पिक्चर जो बनाई है रीटा रॉय जी ने, ये पूरे देश भर में जो नारी के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हजारों सालों से अत्याचार हो रहा है और वो अत्याचार कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। और ये किस प्रकार का अत्याचार होता है ये रियल स्टोरी इस पिक्चर में बताई गई है और ये रियल स्टोरी बताने का उनका एक मकसद वही है कि देखिए दुनिया में क्या चल रहा है, नारी के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है और ये बताने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए। ये माध्यम उन्होंने पिक्चर के जरिए अपनाया है और पूरे समाज को ये बताना चाहते हैं कि अभी भी इतने वर्षों के बाद में हजारों सालों से जो अन्याय हो रहा है वही उसके तरीके अलग अलग होते हैं और किस किस तरह के उन्होंने जो बताए हैं यहाँ पे इस पिक्चर में वो बहुत बढ़िया है और उससे इस समाज को कुछ ना कुछ मालूम पड़ेगा कि किस तरह ये नारी अत्याचार बंद होना और वो बंद होने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो सरकार ने, गवर्नमेंट ने और अपने समाज के लोगों ने कुछ करना चाहिए, यही उनका एक मकसद है बताने का। इसी के लिए यह नारी शक्ति अनोखी बताई गई है और हम लोग सब उनके साथ में हैं और ये अन्याय अत्याचार बंद होना चाहिए, यही सभी का। नारी के लिए सभी लोग जानते हुए आए हैं आजकल, क्योंकि नारी को कभी किसी ने भी ऊपर नहीं रखा। अगर घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो उन्होंने सिर्फ लड़के को ही ऊपर रखा है और लड़की कुछ नहीं। इन्होंने इस मूवी के अंदर बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा, और ये मूवी में नहीं है, ये रियल लाइफ में है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने फेस किया है, जो उनकी अपनी आप बीती है, अपनी ज़िंदगी है, कि बेटियों को इस तरह के संस्कार, बेटों के लिए इतना कुछ और बेटियां कुछ नहीं, ये उन पे खुद पे बीता है और वो दुनिया को, इस समाज को यही बताना चाहती हैं कि बेटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटे कर सकते हैं। और इस मूवी को आप देखेंगे तो शायद मेरे बताने से ज़्यादा आप इसको देख के समझ पाएंगे कि मूवी क्या है, वो क्या कहना चाहती है। कहानी एक नारी के ऊपर है जो लड़की बचपन से और एक एज तक सिर्फ संघर्ष करती आई, माँ बाप के ताने, बाहर वालों के ताने, और किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। वो लड़की जो हमेशा लड़ते झगड़ते अपनी ज़िंदगी के इस मुकाम पे पहुँची, वो नारी को बताना चाहती है। तो मैं वही एक बार फिर कहना चाहूँगी कि शायद मेरे बताने से ज़्यादा अगर आप लोग सब देखने जाएं तो शायद मूवी को जल्दी समझ पाएंगे। और नारी एक अच्छी कलाकार नहीं, वो एक अच्छी इंसान भी है। सबसे पहले एक वो अच्छी इंसान है, इसीलिए वो एक अच्छे इस तरीके से अपने आप को दर्शा पाई है। तो वो एक्टर से पहले एक बहुत अच्छे इंसान है। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि नारी शक्ति तो नारी शक्ति है ही, इससे कोई चीज़ कम नहीं जाती है, ज़्यादा नहीं होती। नारी शक्ति हमेशा नारी शक्ति है, बगैर उसकी शक्ति के दुनिया में कुछ नहीं। नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि आदमी सुबह जागने से लेकर और सोने तक
हर जगह आपको नारी शक्ति नज़र आएगी। और मैडम रीता रॉय जी ने वो यही दिखाने की कोशिश की है, हालांकि मैंने तो इसमें छोटा सा रोल किया है मुनीम का, असरदार रोल है वो, और बहुत ही अच्छी कहानी है इसकी, बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है, प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी है, रीता जी ने काफ़ी पैसा खर्च किया है। कहने का मतलब यह है कि प्रोड्यूसर का जो है मेन जो मोटो था वो एक नारी में कितनी शक्ति है वो दिखाने का है। जितनी भी आज तक फिल्म बनी है, जितनी भी बनी है, उन सब में नारी शक्ति कहीं ना कहीं नज़र आती है, तो इसलिए नारी शक्ति अपनी जगह पर है। और रीता जी ने बहुत अच्छी कोशिश की है, उनका प्रयास बहुत अच्छा है। रीता जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, उसमें हीरोइन भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर है, सब कुछ हुई हैं, हाँ ऑल इन ऑल। तो ये बहुत बड़ी डेयरिंग की बात है, एक आदमी स्ट्रगल नहीं करना चाहता अपने डायरेक्शन में, अपने प्रोडक्शन में खुद हीरोइन बन के उन्होंने पिक्चर स्टार्ट की है और बनाई है और रिलीज़ कर दी, यहाँ तक ले आना आज की इस महंगाई के दौर में, इतने क्राइसिस में फिल्म लाइन में, कि इस दौर में फिल्म को रिलीज़ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात। मैं तो ज़्यादा बन गया मैं तो डिजर्व भी नहीं करता था एक्टर बनना, मेरे तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि मुझे एक्टर पता नहीं लाइन ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि लोग मुझे एक्टर मानते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जिस स्थिति में हूँ आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिल गया है, ये ऊपर वाले का कर्म है, आप लोगों का सबका आशीर्वाद है, बुजुर्गों की दुआएं, और फिल्म लाइन ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, मेरी दाल रोटी बड़ी आराम से चल रही है, काम मिलता रहता है, अभी भी शूटिंग करके आ रहा हूँ मैं, तो मुझे अपने से कोई शिकायत नहीं है और किसी से कोई शिकायत नहीं है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया, और इस तरह से ही चलने फिरने लायक रखे बस हमको, क्योंकि ये लाइफ जो है जब आदमी ओल्ड होना शुरू हो जाता है एक्टर, तो उसके सामने तमाम प्रॉब्लम आती हैं जो नहीं आनी चाहिए, तो बस एक ही चीज़ मांगते हैं, काम तो मिलता रहेगा नहीं मिलता रहेगा, लेकिन चलने फिरने लायक रहना चाहिए बस हमको, उससे दुआ करते हैं इस तरह रखें। और मैं दुआ करूँगा कि मैडम इसी तरह से फिल्म के बाद दूसरी फिल्म बनाए, उसमें भी मुझे काम दें। हाँ रीता जी से पूरी उम्मीद है। लोगों ने जो फिल्म बनाई है नारी के ऊपर, बहुत अच्छी और बहुत समझदार नारियों के लिए देखने लायक है, सब लोग ये पिक्चर जरूर देखें। और इसमें मैंने भी इसमें दाई माँ का रोल किया है छोटा सा, और रीता जी ने भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया है। भगवान करे ये फिल्म बहुत जोरदार, बहुत अच्छी तरह से रीता जी के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा मिला, बहुत मिलनसार औरत है, बहुत अच्छी लड़की है और ऐसा ही होना चाहिए। मेरा रोल इसमें शबनम कपूर की दाइमा का रोल मैंने किया छोटा सा, और वो भी विरार में हुआ था। मैं इस फिल्म में बहुत एक छोटा सा किरदार मैंने निभाया है, मेरा नाम वीना भट्टाचार्जी है, और इसमें मैंने मौलाना की बीवी का कैरेक्टर किया है। और नारी तेरी शक्ति अनोखी, ऑब्वियसली ये के लिए कि नारी में कितनी शक्ति होती है, इन्होंने इस फिल्म को जिस तरह से निभाया है, डायरेक्ट किया है, इन्होंने खुद ये लिखी भी है स्टोरी, तो बीइंग लेडी हम लोग इसमें पार्टिसिपेट किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि हमने उनके साथ काम किया है, और उम्मीद रखते हैं कि और नेक्स्ट फिल्म में भी हम लोग काम करें। तभी हमें मालूम पड़ा कि नारी शक्ति ये फिल्म बनाई है रीता जी ने, तो प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट भी की है, और साथ में उन्होंने एक्टर भी है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और इन्होंने जो एक इस तरह लगता है कि उनके ऊपर कुछ थोड़ी कहानी बीती है, और जिसको उन्होंने बड़ी बारीकी से फिल्म के अंदर उतारा है अपने आप को, और उसको जरूर देखिए। फिल्म में मैंने गाँव वाले का रोल किया है, फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, मेरी विशेष उनके साथ है कि यह फिल्म सक्सेस हो, क्योंकि इन्होंने नारी शक्ति को दिखाया। आज जब पूरे देश में नारी का हनन हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे वक्त में ऐसी फिल्मों का आना बहुत, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस फिल्म को कामयाबी मिले, ताकि आगे भी ऐसी से। इस वक्त में अमिताभ जी के साथ फिल्म जो की है भूतनाथ रिटर्न, उसमें मेरा एक काम है, एक फिल्म आने वाली है पिज़्ज़ा, जिसमें मैंने भूत का रोल किया है, और एक फिल्म ओ माई गॉड फिल्म आई थी जिसमें एक छोटा सा रोल था लेकिन वो क्लिक हो गया। एडवोकेट हनीब कुरैशी कहाँ रहते हैं, तो मैं सबको बताता हूँ कि एडवोकेट हनीब कुरैशी, तंग आ जाता हूँ फिर एक बोर्ड लगा देता हूँ कि एडवोकेट, अलावा क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत सी सीरियल, बहुत सी फिल्में की है। इस बुढ़ापे में काम मिल रहा है तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से एक बार प्रोड्यूसर लोगों को मैं बधाई देता हूँ, और उनके लिए कामना करता हूँ कि फिल्म उनकी चले और फिर से ऐसी कोई फिल्म बने।